बेस्ट स्टॉक्स टू इन्वेस्ट इन इंडिया 2024 अभी इलेक्शन का रिजल्ट होने वाला है और अभी मैंने पांच स्टॉक्स आपके लिए खुद सेलेक्ट किए हैं। पांच स्टॉक्स में अगर आप अभी मंडे को इन्वेस्ट करते हो, मंडे की तारीख क्या है, अगर 27 मई को इन्वेस्ट करते हो तो अगले पांच साल में दैट इज 2024, 2025, 2026, 2028 में आपको ये 100% रिटर्न दे सकते हैं। पहली कंपनी जो मैंने सिलेक्ट की है वो है टाटा कंसल्टेंसी सर्विस लिमिटेड। ये आईटी सॉफ्टवेयर कंपनी है जो अच्छा रिटर्न दे रही है। टाटा कंसल्टेंसी सर्विस का अगर आप पांच साल पहले का डेटा निकालो तो ये अराउंड 1700 पर ट्रेडिंग कर रही थी और अभी जो डेटा है वो है 4000 के आसपास। अगर हम इसलिए टेक्निकल एनालिसिस देखें तो आप देख सकते हो कि टाटा कंसल्टेंसी ने 4000 के आसपास टारगेट हिट किया है मार्च 2024 में। तो अगर हम अभी कुछ पैसा डालते, अगर हम इवन पांच स्टॉक्स टाटा कंसल्टेंसी के खरीद लेते हो तो मैं गारंटी देता हूँ कि वो पांच स्टॉक्स 4000 से बढ़कर 20000 तक जा सकते हैं अगले पांच सालों में 2028 तक। अगर हम टाटा कंसल्टेंसी का वन ईयर रिटर्न देखें तो 16.68% इनका वन ईयर रिटर्न है, ऑलमोस्ट एफडी का रिटर्न से 3 times आप कह सकते हो टाटा कंसल्टेंसी आपको दे रही है। अगर हम इनके कंपनी फाइनेंशियल्स देखें, इनके रेवेन्यू बहुत ज़्यादा है और नेट इनकम कम है, और अगर हम इसका बैलेंस शीट देखें तो इनका एसेट्स जो है वो ज़्यादा है और लाइबिलिटीज़ बहुत कम है, और कैश फ्लो हमेशा टाटा कंसल्टेंसी का हम जानते हैं बढ़ता है और आगे जाता है। अगर हम देखें 2020 में इसका कैश फ्लो 26000 के अराउंड था तो अभी बढ़कर 39K हो गया है। अगली कंपनी जो हमारी लिस्ट पर है वो है अगेन सेकेंड कंपनी जो है वो आईटी कंपनी ही है, वो है इन्फोसिस लिमिटेड। इन्फोसिस लिमिटेड का अगर हम पाँच साल पहले का रिकॉर्ड देखें तो इन्फोसिस अराउंड 600 का ट्रेड कर रहा था, वो बढ़कर अभी आज के डेट में 1465 पर टारगेट हिट कर चुका है। अगर हम उसका वन ईयर रिटर्न्स देखिए तो इसका वन ईयर रिटर्न्स 12% है और इसका वन मंथ रिटर्न 1.85 है। ये कंपनी ऑलमोस्ट लाइक एफडी का डबल रिटर्न आपको दे रही है। अगर हम इसका इनकम देखिए तो इनकम लगातार इसका फ्लक्चुएट होता हम देख सकते हैं, मगर आसपास 37-40 के अराउंड है। इसका अगर एनुअल इनकम हम देखें 2020 में 90000 था और अब बढ़कर 153000 हो गया है, और इसका अगर हम बैलेंस शीट चेक करें तो हमारे पास पता चलता है इनका टोटल एसेट्स ज़्यादा है, लाइबिलिटीज़ कम है, और कैश फ्लो हमेशा की तरह एक कंपनी आईटी कंपनी का कैश फ्लो हमेशा बढ़ता ही जाता है। थर्ड कंपनी जो हमारी लिस्ट पर है वो है हिंदुस्तान यूनिलीवर। हिंदुस्तान यूनिलीवर आप जानते होंगे बहुत सारे प्रोडक्ट्स ये कंपनी प्रिपेयर करती है जो आप दुकान में जाकर खरीद सकते हो। इसका जो प्राइस था वो था स्टार्टिंग पांच साल पहले वो था 1170 और आज जो वो ट्रेड कर रही है वो है 2369। मगर ये कंपनी बहुत ज़्यादा प्रॉफिट में थी लगता है साल 2021 में जब इसका टारगेट 2700 तक पहुंच गया था। अगर हम इसका वन ईयर रिटर्न देखें तो ये माइनस में है, मगर ये हाई साइड अभी वॉलेटाइल है, बहुत ही वॉलेटाइल मार्केट, बहुत ही वॉलेटाइल है। अब कभी भी अगले साल ये मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा रिटर्न आपको देने वाला है। अगर इनकम की बात करें तो इनकम इसका बहुत ज़्यादा है, और बैलेंस शीट अगर हम चेक करें तो इसका लाइबिलिटीज 2020 में 19000 था, वो बढ़कर अगले साल की 2021 में 68000 के आसपास हो गया। तो इसका आप अनुमान लगा सकते हो कैसे इसका कैश फ्लो भी बढ़ गया होगा। 2019 में इसका कैश फ्लो 5000 के आसपास था और अब बढ़कर 9000 के आसपास हो गया है। फोर्थ फैक्ट्री, तो चौथी फैक्ट्री हमारी लिस्ट पर है वो है रिलायंस इंडस्ट्री रिफाइनरीज। इसका अगर हम पांच साल पहले का डेटा निकाले तो इसका पांच साल पहले का डेटा अराउंड 1000 था और आज वो कंपनी ट्रेड करिए 2960 रुपीज, ऑलमोस्ट 3000 के आसपास। अगर हम इसका वन ईयर रिटर्न देखें, सिर्फ इस साल का वन ईयर रिटर्न देखें तो इसका वन ईयर रिटर्न 33.65% पर है, बहुत ही बढ़िया रिटर्न है। और इसका बैलेंस शीट अगर इनकम अगर देखें तो एनुअल इनकम देखें तो इसका एनुअल इनकम 2019 में 569000 में अभी 876.77 पर चल रहा है। बैलेंस शीट देखिए तो टोटल एसेट्स ज्यादा है, लाइबिलिटीज कम है, कैश फ्लो अगर देखें तो इसका रिकॉर्ड जो है वो 2019 में 29000 के आसपास कैश फ्लो था और आज बढ़कर 48000 तक हो गया है। और फिफ्थ कंपनी जो हमारी लिस्ट पर है वो है HDFC बैंक लिमिटेड। वो बैंकिंग, ये बैंकिंग कंपनी बहुत ही बढ़िया। अगर हम देखें इसका पांच साल पहले का रिटर्न, पांच साल ये अराउंड 800 पर ट्रेड करिए और आज वो 1517 पर ट्रेड करिए, ऑलमोस्ट लाइक डबल 1600 इसका डबल होगा यस। और इसका अगर हम एक साल का रिटर्न देखें तो ये माइनस में है, मगर हम अगर इसका पी रेशो जो आप जानते हैं जो स्टॉक मार्केट में है वो जानते हो कि अगर पी रेशो चेक करें तो पी रेशो बहुत ही बढ़िया है। अगर हम इनकम चेक करें, रेवेन्यू इनकम पहला तो 57000 था और आज बढ़कर 1024000 हो गया है। बैलेंस शीट अगर चेक करें तो इसका लाइबिलिटीज एंड एसेट सेम है, क्योंकि ये बैंकिंग चेक करें इसमें कैश फ्लो आता जाता है, और कैश फ्लो अगर हम बात करें तो 2019 में वो नेगेटिव में था और आज बढ़कर वो कैश फ्लो 27000 के आसपास हो गया। तो ये पांच कंपनीज जो है वो बढ़िया रिटर्न देगी अगले पांच साल में, ये मेरी गारंटी है। और अगर आप अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि अगले साल आपका पोर्टफोलियो श्योर बढ़िया होगा अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब किया होगा।